टुडे वी आर गोइंग टू मेक अ मैरीगोराउंड। सो लेट्स मेक। तो मैरीगोराउंड बनाने के लिए आपको लगेगी ऐसी एक स्ट्रिंग जिसकी जो विड्थ है वो है 1.5 इंच। फिर एक आपको एक बटन लगेगा और ये जो स्ट्रिप है मैंने यहाँ पर एक विंडो की है जाकर ताकि मैं इसमें बटन इंसर्ट कर सकूं। फिर हमें पेंसिल लगेगी जिसको आपने शार्पन नहीं किया। आपको ऐसे तीन पेंसिल लगेंगे। फिर आपको ऐसे कनेक्टर लगेगा, एक ऐसी छोटी सी एक्स्ट्रा वायर लगेगी, एक डीसी मोटर लगेगा जो आपको किसी भी पास के इलेक्ट्रॉनिक शॉप में मिल जाएगा। फिर एक सेल लगेगा 9 वोल्ट का। फिर आपको तीन कैंडलस्टिक्स लगेंगे, एक सीडी लगेगी और एक पेपर का ऐसा गोल लगेगा। सो अब जो है टेंट का जो अपना रूफ है उसको बनाएंगे। सो ये जो सीडी है मैंने उससे इतना ये जो रूफ है वो बनाया है। आपको है ना इससे भी जो है ज्यादा बड़ा बना सकते हैं। तो रूफ बनाने के लिए सबसे पहले आपको जो है ऐसे इसको फोल्ड करना है। फिर आपको जो है तो ऐसे फोल्ड करना है। देखिए फिर आपको इसे इस तरह फोल्ड करना है। देखिए एकदम अच्छे से आपको फोल्ड करना है ताकि ये प्रॉपर हो जाए। और फिर आपको जो है इसको ओपन करना है। देखिए तो ऐसे अगर आपने ओपन किया आपको अपनी मर्जी की कोई भी एक लाइन चूज करनी है। जैसे कि मैंने ये जो लाइन चूज की है और उसको आपको ऐसे कट करना है। देखिए कुछ ऐसे मिडल तक आपको ये कट करना है। फिर आपको जो है यहाँ पर जो है फेविकोल या फिर कोई भी स्टिकिंग वाला मटेरियल आपको लगाना है और ये ऐसे आपको स्टिक करना है। और ये देखिए मैंने एक डोम ऐसा रेडी कर लिया है। ये जो है मैंने फाइनल के लिए ऐसा डोम रेडी कर लिया है। इसके नीचे मैंने इससे भी थोड़े थोड़े बड़े बड़े ऐसे चिपकाए सेम डोम्स, लेकिन थोड़े वो बड़े हैं। और यहाँ पर मैंने जो है ऐसे बिंदिया चिपकाई है और यहाँ पर एक फूल चिपकाया है। ये जो है मैंने जो स्ट्रिप ली है वो एग्जैक्ट सीढ़ी के साइज जैसी होनी चाहिए ताकि हमें स्टिक करने में अच्छा सा। फिर हमें जो है मैंने यहाँ पे एक विंडो स्टिक की है। देखिए ऐसे मैंने एक विंडो कट की है और वहाँ पर जो है मैंने यहाँ पे ऐसे एक बटन लगा दिया। देखिए ऐसा बटन आपको इंसर्ट करना है और अब ये जो है निकलेगा नहीं। तो ऐसे आपको जो है ऐसे स्टिक करना है। तो इसको चिपकाने के लिए आपको जो है सबसे पहले से टेप कट करनी है और ऐसे यहाँ पे स्टिक करनी है। देखिए ऐसे मैंने टेप स्टिक की। फिर आपको जो है इसे ऐसे पकड़ना है और ये जो बची हुई टेप है इसको ऐसे आपको स्टिक करना है। ऐसे आपको सारे साइड से स्टिक करके एक ऐसा वाला बेस क्रिएट करना है। देखिए ऐसा आपको एक बेस क्रिएट करना है। अब जो है आपका जो डोम है वो ऐसे दिखेगा। ये मैंने अच्छे से बेस क्रिएट किया है और यहाँ पर जो है मैंने शाइनिंग पेपर भी लगाया ताकि ये बहुत अच्छा दिखे। अब आपको जो है ऐसे तीन पेंसिल लेने हैं और ऐसे यहाँ पे चिपकाने हैं। देखिए जैसे कि मैंने यहाँ पे तीन ऐसे एग्जैक्ट सेम ट्रायंगल में चिपकाए, ये एक ये दो और ये तीन। अब जो है आपको जो है यू हैव टू टेक वन कनेक्टर, वन बटन, वन एन एक्स्ट्रा वायर, वन डीसी मोटर एंड वन सेल। If you do not have this cell, so you can dig this cell, but the cell should be of 9 volts. So now, to make the circuit, first you have to take the connector and take one part of the wire. Insert it in the button and then you have to twist it, so it will be sticking intactly. Now, the second part of the connector, you have to insert in the DC motor. Like this, and again twist it. Now, the circuit will look like something like this. Now, the extra wire which we have taken, you have to insert in the button like this. And again, twist it like this. Now, the last end of the extra wire, you have to insert in the DC motor like this. See?
again you have to twist it. So the circuit will look like this. But now we have to take the sail and put it in the connector like this. And when it is taken, the circuit is ready. Now as soon as I will press the button, the motor will start like this. So this is the circuit. एक चीज ध्यान रखना है कि आप पहले सबसे पहले आपको जो है बटन वो बेस में इंसर्ट करना है और फिर आपको जो है सर्किट को ऐसे वायरिंग करना है। देखिए तो सबसे पहले मैंने ऐसे एक ये जो है वायर ये ऐसे चिपकाई। देखिए सो आफ्टर इंसर्टिंग दिस टेक द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द सर्किट एंड पुट इट लाइक दिस और अब जो है आपका जो बेस है वो रेडी हो चुका है। ऐसे जो है आपको बेस रेडी करना है। अभी जो है आपका जो पूरा कनेक्शन है वो रेडी हो चुका है। अब आपको क्या करना है कि जो ग्लू गन है आपको ऐसे यहाँ पे स्टिक करनी है। अब जो है ये जो मोटर है आपको ऐसे ग्लू गन से ऐसे स्टिक करनी है। देखो कुछ इस तरह से जो है आपको ये मोटर स्टिक करनी है और ये जो है आपको इस होल में ऐसे स्टिक करनी है। देखिए और जब ये स्टिक हो जाए ये कुछ ऐसे दिखेगी। देखिए सो अब जो है मैंने यहाँ पे ऐसा कुछ स्टिक किया है। देखिए कुछ ऐसे स्टिक होना चाहिए। ये स्टेल अगर आपने नहीं चिपकाया तो भी कोई बात नहीं क्योंकि हम स्टेल ऐसे चिपका सकते हैं। ऐसे सेल भी इसके चिपकाने की जरूरत नहीं। So, अब जो है ये जो मैंने स्टिक्स है ये मैंने ऐसे क्रॉस शेप में चिपका है। देखिए कुछ ऐसे फिर जो है मैंने टायर बेबीज लिए हैं और कुछ ऐसे इस तरह से चिपका है और फिर जो है ये जो एक बॉटल की कैप ली है और उसमें ऐसे मैंने मैकेनिक का एक व्हील लिया है और जिस पर मैंने ग्लू गन लगाई है और उसके ऊपर मैंने डीसी मोटर चिपका फिर बाद में निकाला है ताकि वो सेम साइज का हो सके और फिर जो है मैंने इसे ऐसे स्टिक किया है। सो अगर आपको ये टायर बेबी स्टिक करने हैं तो आपको कुछ ऐसे स्टिक करने हैं। देखिए सबसे पहले आपको ग्लू गन या फिर कोई भी ग्लू चिपकाना है और फिर कुछ ये ऐसे आपको चिपका देना है। देखिए ये जो है यहाँ पर जो टाइनी होल है उसको जो है आपको इसमें डेलिकेटली ऐसे स्टिक करना है। देखिए और अब जैसे ही मैं बटन दबाऊंगा ये घूमने लग जाएगा। देखिए करना है। देखिए कुछ ऐसे और अब जो है हमारा जो मैरीगोराउंड है वो रेडी हो। नाउ द मैरीगोराउंड इज रेडी सो लेट्स मूव इट।